सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम टू नंबर 9 स्क्वाड। थैंक यू सो मच सर। सर, इस एयरबेस के बारे में मुझे बताएं। मैंने सुना है कि ये एयरबेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ यहाँ पर जितने एयरक्राफ्ट हैं या जितने भी पायलट्स हैं वो वेल ट्रेंड हैं और वेल इक्विप्ड हैं। एग्जैक्टली, जैसे कि आप बिल्कुल जैसे आपने कहा है कि सबसे सेंटर पॉइंट है ये बेस, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। हमारे जितने भी एसेट्स हैं इस बेस के ऊपर सब ही वेल इक्विप्ड हैं, वेल ट्रेंड हैं, और हमारा एयरक्रू अकॉर्डिंगली उसके साथ हमने उसी तरह की ही टॉप मोस्ट ट्रेनिंग किया है। बिकॉज हमारा सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी उस ट्रेनिंग का, कि वी हैव टू बी द बेस्ट, और वो हमारे एसेट्स के साथ मुताबिकत भी रखता है। तो उस चीज़ के ऊपर हम बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, और हमारी ट्रेनिंग में सबसे पहली चीज़ वही होती है कि वी हैव टू बी द टॉप। अब हम हिस्ट्री की तरफ आ गए हैं, और इस एयरबेस की थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताएं मुझे। बिल्कुल, जैसे आप विजिट देख सकती हैं दोनों साइडों पे कि काफ़ी डिग्नेटरीज ने हर तरह से हर टाइम के ऊपर विजिट किया है स्क्वाडन को। हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ने भी किया है, प्रेजिडेंट्स ने भी किया है। बाकी ऑपरेशनल अगर आप हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमने बड़ी हिस्ट्री को प्रिजर्व करके रखा हुआ है, और बहुत ज़बरदस्त है। और ये हिस्ट्री आपको बताएगी कि इस स्क्वाडन ने किस तरीके से अपने दुश्मन को हर जगह पे फेस किया है और अपने दुश्मन को हर जगह पे मात दी है। ये हमारा हिस्ट्री रूम है 9 स्क्वाडन का, और इसमें हमारी सारी हिस्ट्री है जिन जिन ऑपरेशन में हमने हिस्सा लिया है। अच्छा। टोटल, और इसको फर्दर डिटेल के साथ स्क्वाडन हसान हमारे बड़े मायनास पायलट हैं हमारे स्क्वाडन की, आपको फर्दर इन डिटेल ब्रीफ करेंगे, और आप अपना टाइम लें। मैं अब क्योंकि फ्लाइंग का टाइम हो गया है, नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर ऑपरेशंस, तो हम इंशाल्लाह फिर फ्लाइंग के बाद दोबारा मुलाकात होगी। जरूर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम हसान, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच मैम। अच्छा हसान, चूंकि ये हिस्ट्री रूम है और इस एयरबेस की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा रिच है, जी, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, और आप मुझे और मेरे देखने वालों को क्या क्या बताना चाहेंगे इस एयरबेस के बारे में? ये स्क्वाड वो स्क्वाड है जिसने पूरी एयरफोर्स को एक डायरेक्शन दी कि कोई भी ऑपरेशन हो तो उसको कैसे करना है, एंड दे लेड फ्रॉम द फ्रंट राइट फ्रॉम द हिस्ट्री। ठीक है, या इन हिस्ट्री के बोर्ड्स में ये चीज वाजे नजर आएगी कि ये स्क्वाड जो है हमेशा से बहादुर और जुर्रत के कारनामों से सरशार रहा है। बिल्कुल, और 1965 की जंग हो या 1971 की जंग हो, और या अभिनंदन की बात की जाए, तो ये जो एयरबेस है ये हमेशा हमेशा आगे रही है और बढ़ चढ़ के इस एयरवेज के जवानों ने हिस्सा लिया है। अच्छा, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स मौजूद हैं, आप मुझे इनके बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसे ये पिक्चर है एक। जी मैम, ये पिक्चर जो है इस बात को सिग्निफाई करती है कि हमने 1961 की दिहाई में हम लोगों ने स्टार फाइटर जो है उसका एरा शुरू किया। नंबर इस स्क्वाड में स्टार फाइटर जहाज पहली दफा उतरा, तो ये उसकी कराची पोर्ट पे उतरने की तस्वीर है। अच्छा। फिर वो जहाज उड़ना शुरू हुए, हमने उसमें फ्लाई पास की कुछ फॉर्मेशंस की। सबसे बड़ी बात ये है कि आप अगर इधर दिखा सकें कैमरामैन, कि ये वो जहाज है जो कि 65 की जंग में सबसे आगे रहा। अच्छा। और इस पायलट के नौजवान जो थे उन्होंने बहादुरी के कारनामे अंजाम दिए। इसी तरह आप ये 1971 के भी कुछ कारनामे देख सकती हैं कि हमारे इसी स्क्वाड्रन के पायलट्स ने बहुत सारे इंडियन जहाजों को तबाह किया, और जुर्रत और बहादुरी के कारनामे जो हैं वो अपने नाम किए। अच्छा। और इन्हीं बहादुरी के कारनामों के एजाज में उनको सितारे जुर्रत से नवाजा गया। अच्छा, तो यहाँ से F-16 का दौर जो है वो स्टार्ट होता है। जी बिल्कुल, ये 80 की दिहाई है जहाँ से हमने F-16 इक्विप किया, और फिर कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं है पाकिस्तान एयरफोर्स में जहाँ पे ये स्क्वाड्रन और ये जहाज जो है वो उसमें शाना बशाना ना रहा हो। अच्छा, बल्कि सारे फेरिस्त रहा है। अगर हम ऑपरेशंस की बात करें तो कौन कौन से ऐसे ऑपरेशंस हैं जहाँ पर इस बेस ने हिस्सा लिया है? मैम, अगर कोई ऐसा ऑपरेशन है नहीं जो कि रह गया हो, बहरहाल अगर हम चीधा चीधा बात करें तो चाहे वो मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेज हों, चाहे वो कारगिल की क्राइसिस की बात करें, या फिर ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की, ज़र्बे अज़ब की बात करें, या फिर ऑफ सेंटिनल की, कोई भी ऐसा मार्का नहीं है जिसमें कि इस स्क्वाड्रन के पायलट्स और ये स्क्वाड्रन इटसेल्फ जो है वो सरे फहरिस्त ना रहा हो। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, इतने सारे आप लोगों ने ऑपरेशंस किए हैं, तो कोई एक ऐसा वाकया जो बड़ा अनयूजुअल हो और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम भी बना हो ऑपरेशंस की? जिस तरह आपने बात की वाकयात की, वाकयात तो सारे के सारे ऐसे हैं मैम के जिसके अंदर इस स्क्वाड्रन के पायलट्स ने और इस स्क्वाड्रन ने जुर्रत और बहादुरी के कारनामे अंजाम दिए हैं, और जो के सामने इन दीवारों पे आपको रखने नजर भी आते हैं। बिल्कुल, उनमें से एक यूनिक जिस तरह आप बात कर रही हैं तो हमारे पीछे ही मौजूद है, ये एक रेयर UAV किल है। अच्छा। इट इज एन ऑनर फॉर दिस स्क्वाड्रन इन पर्टिकुलर एंड F-16s कि इन्होंने नाइट में एक UAV जहाज को मार गिराया था
स्क्वाड्रन की पायलट्स की डिटेल और उस यूएवी की डिटेल यहाँ पे इन तस्वीर में मौजूद है और आया है। ये एक ऐसा ऑनर है कि पूरी दुनिया में आज तक कोई ऐसा मार्का जो है वो अंजाम नहीं दे पाया। मतलब आज तक दुनिया में किसी भी F-16 ने नाइट में कोई जहाज नहीं गिराया। जी, आज तक दुनिया में किसी भी फाइटर स्क्वाड्रन ने एक यूएवी नहीं गिराया, जो कि पहली दफा इस स्क्वाड्रन ने गिराया था। जबरदस्त। और ये एजाज जो है ये भी पाकिस्तान के हिस्से में आता है। और यहाँ पर अगर हम चलें तो यहाँ पर एक और ऑपरेशन है जिसमें मुझे अभिनंदन की तस्वीर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि ये बच्चे बच्चे की जबान पर इस ऑपरेशन का नाम है। मुझे इसके बारे में बताएं, जब इसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन आई तो क्या यहाँ पर रूटीन चल रही थी और किस तरह से आप लोगों ने इसको लीड किया? ज़रबे अज़ब से जिस तरह हमने पहले बात की कि ये एक ऑपरेशन जो है हम चल रहे थे, हम लोग ऑलरेडी इतना इन प्रैक्टिस रहते हैं बिकॉज हमारी ट्रेनिंग ही इस बेस पे की जाती है कि हम हमा वक्त जो है वो कौम के मुल्क और दिफा के लिए तैयार हैं। इसी तरह जब ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया जो कि पुलवामा अटैक की सूरत में पेश आया और जब हमें वो टास्क दिया गया तो वी वर ऑल गियर्ड अप। इसी जगह पे, इसी बेस पे उन सब एलिमेंट्स को इकट्ठा किया गया, उसकी प्लानिंग की गई और एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से एक मिशन को प्लान करके एग्जीक्यूट किया गया जिसके रिजल्ट्स जो हैं वो पूरी दुनिया आज जानती है। थैंक यू सो मच हसन, इतना मज़ा आया आपके साथ यहाँ पर। आपने इस एयरबेस की बड़ी रिच हिस्ट्री जो है वो मुझे और मेरे देखने वालों को बताई। थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम लोग क्रू रूम में मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ पर यंग पायलट्स हैं जो अपनी फ्लाइट्स लेने के बाद यहाँ पर आए हैं रेस्ट करने के लिए, तो इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं हमाद। हमाद, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं। आई एम फ्लाइंग ऑफिसर हमाद एंड आई हैव रिसेंटली पोस्टेड ओवर हियर एज अ स्क्वाड्रन पायलट नोन एज CMR कॉम्बैट मिशन रेडी पायलट एंड इट्स बीन अप्रोक्सीमेटली 3 months दैट आई हैव बीन पोस्टेड टू दिस स्क्वाड्रन। अच्छा, हम आप मुझे ये बताएं कि क्योंकि आपका और आपका मुझे फजल, आप दोनों का मुझे पता चला है कि आप लोग यंगेस्ट पायलट हैं इस बेस पे, तो मुझे ये बताएं जब पहली दफ़ा F-16 उड़ाया था तो क्या एक्सपीरियंस था, क्योंकि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट जहाज़ है ये और हर बंदे का ड्रीम होता है कि मैं F-16 को उड़ाऊँ, तो जब आप फर्स्ट टाइम उसके अंदर बैठे और आपने उसको फ्लाई किया तो क्या चल रहा था दिमाग में, क्या चल रहा था, कैसे होगा और क्या चीज़ें होंगी? वेल ऑब्वियसली जैसे आपने पहले ही कहा कि इट वाज नॉट लेस देन अ ड्रीम कम ट्रू फॉर अस जब हमने पहली दफ़ा F-16 को फ्लाई किया है एंड ऑल्सो इट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर बोथ ऑफ अस के वी वर द यंगेस्ट वंस के जिन्होंने इसको फ्लाई किया। बैठकर अच्छा लगा बट उस वहाँ तक बैठने तक जो पीछे पूरा प्रोसेस था अगर उसको देखें तो देट वॉज क्वाइट टफ, बट ऑब्वियसली बैठ के जब फ्लाई किया तो वी वुड बोथ से इट वॉज वर्थ इट। और एक्सपीरियंस के जहाँ तक बात है तो इट वॉज फैंटास्टिक। ऑब्वियसली सिर्फ इस चीज़ को सोचना ही इट्स ऑलमोस्ट फैंटास्टिक कि आप F-16 चला रहे हैं एट दिस एज एंड एट दिस एक्सपीरियंस लेवल। सो आई वुड से इट वॉज ऑसम, अच्छा एक्सपीरियंस था एंड इट वॉज नॉट लेस देन अगेन अ ड्रीम कम ट्रू। फजल, आप मुझे बताएं, सबसे पहले तो मैं आपकी मूंछों की तारीफ करना चाहूँगी, बड़ी अट्रैक्टिव है आपकी मूंछें और ये बड़ा रोप का अलामत भी समझी जाती है वैसे मूंछें तो। यहाँ पे एविएशन में होता है एक मुस्ताश मंथ होता है, मार्च में करते हैं, वी पे ट्रिब्यूट टू हिज लेगेसी। अच्छा, तो सब मूंछें रख लेते हैं? तो बस एक महीने महीने के लिए आप रख लेते हैं तो। अच्छा, मुझे जिस तरह आपने भी तारीफ़ की तो और भी लोगों ने तारीफ़ की तो आई जस्ट ऑप्टेड फॉर इट कि मैं इसको कंटिन्यू करूं। अच्छा, वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने बताई है कि ये एक मंथ सेलिब्रेट करते हैं मुस्टैशेस को लेके, तो जब वो मंथ गुजर जाता है जी, तो जी। बाकी लोग शेव कर देते हैं और आप नहीं करते? नहीं, रूटीन नहीं है, बस इस दफ़ा ऐसा हुआ कि इट सूटेड मी तो मैंने उसको ज़्यादा लोगों ने तारीफ़ कर दी जी। अच्छा जी, आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं अजवान। अजवान, आप मुझे अपने बारे में बताएं, कहाँ से आपका ताल्लुक़ है और PAF ज्वाइन करने का ख्याल कैसे आया? माय नेम इज़ फ्लाइंग ऑफिसर अजमान, आई एम फ्रॉम लाहौर। बेसिकली ज्वाइनिंग दी पाकिस्तान एयरफोर्स हैज़ बीन अ ड्रीम फॉर मी सिंस माई चाइल्डहुड एज़ माई फादर वॉज ऑल्सो इन दी एयरफोर्स, ही वॉज ऑल्सो अ पायलट, सो फॉलोइंग हिज लेगेसी एंड द मार्क दैट ही हैज़ लेफ्ट इन दिस इंस्टीट्यूशन एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन and the love that I have received as a family from the Air Force, so I have always wanted to be a part of it. आपके साथ मौजूद हैं सर, मुझे अपना इंट्रोडक्शन कराइएगा।
जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्लाइट लेफ्टिनेंट शेरफ़िन, आई एम फ्रॉम लाहौर एंड आई एम ऑन द सिस्टम फॉर द लास्ट 4-5 मंथ्स एंड आई एम करंटली अटैच्ड हियर इन नंबर 9. अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, हमने बड़े ड्रामों में भी ये चीज़ देखी है कि जो आर्म फोर्सेज की रैगिंग होती है ना, वो इंसान की चीखें निकलवा देती है. तो आपने जब फोर्स ज्वाइन की थी तो आपके साथ भी आपके सीनियर्स ने कोई रैगिंग की थी? ऑफ कोर्स, इट इज पार्ट ऑफ द मिलिट्री ट्रेडिशन. कोई एक वाक्य अगर आप शेयर करना चाहें. जो सबसे ज्यादा याद आता है वो अपना पहला दिन ही याद आता है, क्योंकि उस दिन जो भी एयरफोर्स ज्वाइन करता है वो एक ख्वाब के साथ, एक उम्मीद के साथ आया होता है कि अभी मैंने जिस तरह जाते ही यूनिफॉर्म पहन लेना है, मुझे एकदम इज्जत मिलना शुरू हो जाएगी. इस तरह का कुछ नहीं होता. इज्जत नहीं मिलती, इज्जत तो आपको अर्न करनी पड़ती है. यू हैव टू अर्न रिस्पेक्ट जैसे आप इस इंस्टीट्यूशन में आते हैं. तो पहला दिन किसी को भी नहीं भूलता. और आपने जैसे कहा कि एक वाक्य जिक्र करें, तो पहले दिन में आया और बहुत सारा सामान मैं अपने साथ बिल्कुल नीटली पैक्ड फोल्डेड लेके आया और मैंने कहा कि मैं इसको जाके अपने रूम में अभी जाके डेकोरेट करूँगा, सजाऊँगा और सब कुछ ऑर्गेनाइज करूँगा. और द एग्जैक्ट ऑपोजिट हैपेंड. जो हमारे कंडक्टिंग कैडेट थे उन्होंने सबसे पहले बैग खुलवाया, उसके बाद उसके अंदर हर कॉन्ट्रैबैंड आइटम के लिए तलाशी ली गई और बैग उठा उठा के इधर उधर फेंका और सारी मेरी की जो है ऑर्गेनाइजेशन ख़राब. और उसके बाद मैं वो बैग सर पे लेके, ट्रंक भी थे, बैग्स भी थे, वो सर पे लेके आई वॉज कैरिंग इट ऑल डे. और कमरे तक तो पहुँचते पहुँचते रात हो गई और मुझे पता भी नहीं चला कि टाइम किधर गया. सुबह से रात हो गई और सर पे सारा सामान लादा हुआ था आपने? सर पे सामान रखते थे, जब हम थक जाते थे वो हमें वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रोक लेते थे, लेकिन हमें आगे नहीं चलने देते थे कि रूम तक जाना हमने सामान के साथ ही है. ज़बरदस्त जी, और थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, क्योंकि आप लोग यहाँ पे रेस्ट करने आए थे लेकिन मैंने आप लोगों को पकड़ लिया कि आप लोग इंटरव्यू दें. हमने आपको यंग पायलट से मिलवाया, हमने आपको यहाँ का फ्लाइंग ऑपरेशन दिखाए और यहाँ पर जितनी भी जदीद टेक्नोलॉजी है हमने आपको उसके बारे में भी बताया. उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा. मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो.